हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दी क्लास तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एम सी क्यू क्वेश्चन फॉर ई एस आई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम्स और आज हम एम सी क्यू डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ई एस आई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम तो जल्दी से अनु जिनरल डॉट इन जाइए बाय कोर्सेज पे क्लिक करिए बाय कोर्सेज पे ई एस आई पे क्लिक करिए और कोर्स में जाके इनरोल कर लीजिए यहाँ पे डिटेल्ड वीडियोस पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है ठीक है चले अब अपने क्वेश्चंस की ओर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हमें याद रखना है पहले क्वेश्चन अपनी एक नोटबुक या पे या फिर अपने माइंड में रिकॉर्ड करना है मतलब आंसर लिखना है ताकि हम देख सकें कि हमारी कितनी प्रिपरेशन है तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोजेक्ट प्रॉफिटिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डैश ऑफ अ प्रोजेक्ट फ्यूचर कैश फ्लो टू द प्रोजेक्ट डैश तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो कैसे फाइंड होता है जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो कैसे फाइंड होता है तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में इनिशियल कैश आउटफ्लो इनिशियल कैश आउटफ्लो यही होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें बताता है क्या है कि जितना हम पे कर रहे हैं या जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में उससे हमारा जो रिटर्न आ रहा है वो कितने टाइम्स है वही होगा और एक जो डिस्काउंटेड मेथड है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ले रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल आउटले ठीक है क्योंकि ये निकलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में इनिशियल कैश आउटफ्लो से अब ध्यान रखना है इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या सीखा था हमने क्लास में तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन वन हो तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन वन हो तो रिजेक्ट करेंगे और अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू वन हो तो इस केस में हम न्यूट्रल लेंगे या मतलब कंपनी की मर्जी होती है कि वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे ठीक है समझ आ गया पहला क्वेश्चन चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैन बी कंप्यूटेड बाय विच ऑफ द बिलो मेंशन फार्मूला तो हमें ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बताना है सिंपली सी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स अब हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज बताता क्या हमें ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है कि अगर हमारी सेल्स चेंज हुई सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज हुई तो कितने परसेंट से हमारी ऑपरेटिंग इनकम या ईबीआईटी इंक्रीज या डिक्रीज होगा इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा ठीक है मतलब हमारी सेल्स के चेंज होने की वजह से हमारी ऑपरेटिंग इनकम या ईबीआईटी में क्या चेंज आएगा वो हमें बताता है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज समझ आया सेकेंड क्वेश्चन चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री क्या, क्या कह रहा है कि कैपिटल बजटिंग इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन सेल्स प्लानिंग प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस एंड स्टाइल फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स बहुत ही सिंपल आंसर हमारा ध्यान से सुनना देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम बेसिकली मेजर तीन रीजन की बात करते हैं कौन कौन से तीन डिसीजन होते हैं वो बोलो पहला डिसीजन क्या हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेकंड क्या फाइनेंसिंग डिसीजन और फोर्थ वन क्या है हमारा इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन डिविडेंड डिसीजन क्या होता है कि हमें डिविडेंड देना चाहिए या रिटेन करना चाहिए उससे रिलेटेड जो हम डिसीजन लेते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है कि जो हमें फंड रेज करने हैं वो डेट से करने हैं या फिर इक्विटी वगैरह से करने हैं मतलब सोर्सेज ऑफ फंड जो हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं वो हम कहाँ देखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में और इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए अब दो तरह के एसेट्स होते हैं एक होते हैं हमारे फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स और एक होते हैं शॉर्ट टर्म एसेट या वर्किंग कैपिटल एसेट्स और शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल अब जो फिक्स एसेट्स के डिसीजन होते हैं एसेट्स के डिसीजन को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग एसेट्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए वो डिसीजन को हम क्या कहते हैं कैपिटल बजटिंग और शॉर्ट टर्म वालों क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन ठीक है तो कैपिटल बजटिंग हमारा किससे रिलेटेड डिसीजन हो गया सेल्स प्लानिंग से नहीं प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं हमारा राइट right आंसर क्या हो जाएगा फिक्स एसेट्स वाले जो होते हैं हमारे ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ द एक्स लिमिटेड हैज बीन बाइंग अ गिवन आइटम्स इन लॉट्स ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड विच इज अ अस मंथ सप्लाई द कॉस्ट पर यूनिट इज रूपीज ट्वेल्व ऑर्डर कॉस्ट इज रुपीज एट परसेंट ऑफ दर्सेंट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी हमसे पूछा गया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी क्या होता है कि कितनी क्वान्टिटी एक बारी में बिजनेस को मंगवानी चाहिए ताकि उसे मिनिमम कॉस्ट पड़े यही होता है ये हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का डिसीजन होता है एक तो ई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है टू इंटू ए इंटू ओ अपन में डिमांड मतलब कितनी है फिर ओ का मतलब क्या ऑर्डर कॉस्ट कितनी होगी और सी का मतलब क्या है हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट बोल देते हैं तो एनुअल में कितना चाहिए देखो ट्वेल्व हंड्रेड यूनिट सिक्स मंथ सप्लाई सिक्स मंथस के लिए हमें ट्वेल्व हंड्रेड चाहिए तो एक साल में कितने चाहिए होंगे ट्वेंटी फोर हंड्रेड ऑर्डर कॉस्ट कितनी है मतलब ट्वेल्व रुपीज का ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना हो गया थ्री रुपीज और ये डाल दिया हमने अंडर रूट पे तो ये हो गया अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम अमाउंट तो आ रही है अप्रॉक्स वन वन मंथ वन मंथ थ्री पॉइंट कुछ आ रही है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन हंड्रेड फोर्टीन यूनिट्स मतलब बिजनेस को एक बारी में वन हंड्रेड फोर्टीन यूनिट्स ऑर्डर करने चाहिए ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम पड़े ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ द यूज ऑफ फिक्स चार्ज सोर्सेज ऑफ फंड अलॉन्ग विदर्स इक्विटी इन दैपिटल स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब एज फाइनेंशियल ऑफ दिक्स चार्ज का मतलब फिक्स चार्ज सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ फिक्स चार्ज सोर्स ऑफ फंड मतलब जिसपे हमारा एनुअली कुछ ना कुछ तो चार्जेस लगने ही लगने हैं जैसे अगर हम मान लो कंपनी ने डिबेंचर इशू करे तो डिबेंचर्स क्या होते हैं ऐसे कि इतने परसेंट जाना ही जाना है अब फिक्स चार्ज का दूसरा कौन सा होता है इक्विटी वाला जिसमें फिक्स नहीं होता डिविडेंड कि भाई कंपनी अपने, अपने अकॉर्डिंग डिविडेंड पे करती है तो कम, आ, हमारा यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में बोला गया है कि फिक्स चार्ज के साथ साथ फिक्स चार्ज सोर्स ऑफ फंड के साथ साथ ओनर इक्विटी का भी इस्तेमाल करना चाहिए मतलब ओनर वाले के साथ साथ का भी यूज करना चाहिए ये कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है इसे क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं हम फाइनेंशियल कंपनी अपना डेट भी यूज करे किसके साथ साथ इक्विटी के साथ साथ ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइनेंशियल लिवरेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें डैश ए अ डैश इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ज दैश फ्लो और लाइबिलिटीज फ्रॉम टू डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्वैप्स तो इनमें से कौन सा डेरीवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टू पार्टीज एक्सचेंज करती हैं अपने कैश फ्लोज या फिर लाइबिलिटीज देखो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़े थे इन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट हो जाते हैं हमारे एक, एक फर्म के इंडिविजुअल के अब इन्होंने किस डेरीवेटिव की बात करी गई है जहां पे हम एक्सचेंज करें ध्यान रखना वर्ड क्या है एक्सचेंज करने हैं अपने कैश फ्लो फ्यूचर्स में क्या होता है हम फ्यूचर की डील करते, करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉरवर्ड्स में भी यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हम सामान लेंगे या फिर फ्यूचर uh, में आप इतने प्राइस पे इतना सामान लेंगे हमारा जहां एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लो होता है वो कहाँ होता है स्वैप्स में तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए स्वैप देखो स्वैप में होता क्या ध्यान सुनना से सुनना है एग्जाम्पल है मान लीजिए दो पर्सन है एक ए और एक बी ध्यान से सुनना स्वैप का मतलब मैं एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूं देखो स्वैप का मतलब क्या है है मान लीजिए ए को लोन मिल रहा का परसेंट फिक्स चार्ज पे मतलब फाइव परसेंट फिक्स इंटरेस्ट रेट है और बी को लोन मिल रहा है हंड्रेड रुपीज का पे। मतलब हमारा लेट सपोज लाइबॉर प्लस टू परसेंट पे मतलब ये क्या फ्लोटिंग चार्ज है अब ए चाहता है कि उसे फ्लोटिंग चार्ज पे लोन मिले और बी चाहता है उसे फिक्स चार्ज पे लोन मिले लेकिन जो कंपनीज उन्हें ऑफर कर रही हैं वो क्या कर रही हैं ए को ऑफर कर रही है सिर्फ फिक्स चार्ज पे और बी को ऑफर कर रही है फ्लोटिंग चार्ज पे लेट्स सपोज ये दोनों अलग अलग कंट्रीज से हैं तो स्वैप डेरिवेटिव क्या होता है कि ये अपने मतलब स्वैप क्या होता है ये अपने इंटरेस्ट रेट्स को स्वैप कर लेंगे मतलब ए वाला पे करेगा इसके अकॉर्डिंग और बी वाला पे करेगा इसके अकॉर्डिंग ये होता है हमारा स्वैप डेरीबे बहुत ही मतलब छोटे में लेवल पे बताया कि एक दूसरे के जो इंटरेस्ट रेट्स है स्वैप कर लेते हैं मतलब अलग अलग टाइप के स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का आपके सामने कैश फ्लो क्या मतलब आप हमारी पेमेंट ले लीजिए हम आपकी पेमेंट ले, ले लेंगे ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वैप्स चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट

तो रिस्क से दूर भागता है मतलब वो क्या होगा रिस्क से दूर रहेगा रिस्क से दूर रहेगा मतलब जो जो ज्यादा रिस्क इन्वेस्टमेंट होंगी उनमें इन्वेस्ट नहीं करेगा किन में इन्वेस्ट करेगा जो ज्यादा सेफ होंगी तो हमें ये चीज चेक करनी है अब इधर क्या बोली गई है अ रिस्क इज एवर्स इन्वेस्टर इज विद हुन रिस्क अन रिस्क का मतलब हाई रिस्क है रिस्क पता ही नहीं मतलब बंदा ज्यादा रिस्क ले रहा है

स्टेटमेंट क्या है रिस्क एवर्स इन्वेस्टर लाइक टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉर्ड्स है क्योंकि रिस्क एवर्स इन्वेस्टर अपना रिस्क से दूर भागता है तो वो इन्वेस्ट किस में करेगा गवर्नमेंट या डिबेंचर्स में जहां पे फिक्स है कि भाई इतना पैसा मिलना ही मिलना है अब गवर्नमेंट के जो हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो डूबने वाले तो है नहीं डिबेंचर्स में भी हर साल का एक फिक्स अमाउंट मिलनी ही मिलनी है, मिलनी है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई और सेकेंड करेक्ट हो गई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर सीएपीएम मॉडल कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल तो कैपिटल प्राइजिंग मॉडल क्या बताता है हमारा कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी किसके बराबर होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा बराबर होगा एक तो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस मार्केट प्रीमियम मार्केट प्रीमियम क्या होता है रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री इनटू बीटा माइनस रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न इनटू बीटा बीटा क्या होता है हमारा कि हमारा जो शेयर है जो सिक्योरिटी है वो कैसे इंपैक्ट होती है मार्केट से ठीक है अब हमारा जो सीएपीएम मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो तीन चीजें होती हैं एक आ गया हमारा रिस्क फ्री रिटर्न एक आ गया रिटर्न ऑफ मार्केट एक हो गया बीटा और ये हमारा मिला के क्या कहलाता है मार्केट प्रीमियम इसके कारण कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफेक्ट होती है तो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रिटर्न ऑन डेट नहीं एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न से होती है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से होती है कंपनीज बीटा से होती है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिटर्न ऑन डेट तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन कि इससे हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफेक्ट नहीं करता होता देखो बीटा होता क्या है हमारा बीटा हमारा सिस्टमेटिक रिस्क होता है सिस्टमेटिक रिस्क मतलब अगर मार्केट में कोई चेंज आ रहा है तो उससे हमारी सिक्योरिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो बीटा डिफाइन करता है ठीक है तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न से इफेक्ट होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से होता है कंपनी बीटा से होता है किससे नहीं होता हमारा नहीं होता रिटर्न ऑन डेट से तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिटर्न ऑन डेट चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ वट इज अ डिविडेंड कवर रेशियो अ मेजर ऑफ बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है कि डिविडेंड कवर रेशियो क्या मेजर करता है तो डिविडेंड कवर रेशियो होता क्या है डिविडेंड कवर रेशियो होता है ईपीएस में डीपीएस यही है ईपीएस में डीपीएस ईपीएस क्या होता है अर्निंग पर शेयर और डीपीएस क्या होता है डिविडेंड पर शेयर सर एक बार जल्दी से बता दो कि ईपीएस और डीपीएस में फर्क क्या होता है मान लीजिए कंपनी ने कंपनी के पास हंड्रेड शेयर्स थे और कंपनी ने लेट सपोज एनुअल रिटर्न फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का कमाया सपोज uh, तो अर्निंग पर शेयर क्या हो गया फाइव हंड्रेड रुपीज हंड्रेड रुपीज हो गया, हो गया हम अर्निंग पर शेयर क्या कंपनी फाइव रुपीज ही पे करेगी हर एक शेयर होल्डर को तो ये जरूरी नहीं है जरूरी क्या है कंपनी कितना पे कर रही है लेट सपोज कंपनी टू रुपीज भी कर सकती है थ्री रुपीज भी करती है जीरो रुपीज भी कर सकती है तो जितना कंपनी पे कर रही है वो हमारा कहलाता है डिविडेंड पर शेयर

इसका मतलब क्या है कंपनी अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो ये आ जाएगा 2.5 2.5 मतलब कंपनी टाइम्स अपना डिविडेंड दे सकती है मतलब आज कंपनी दे रही है तो कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो ढाई टाइम्स अपना डिविडेंड दे सकती है वो हमारा बताता है डिविडेंड कवर रेशियो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हाउ मेनी टाइम्स अर्निंगज ऑफ मार्केट प्राइस

और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना होता है जिसका आंसर मैं नहीं दूंगा तो क्वेश्चन क्या है विच फॉर्मूला मे बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज होता है अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए ठीक है जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दैट्स ऑल फॉर टूडे बाय बाय टेक केयर सी यू सून